हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण प्रजापति एज अ फिजिक्स फैकल्टी फ्रॉम कंसेप्ट्स क्लासेस। दिस इज द चैप्टर ऑफ क्लास 10, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। लेक्चर फर्स्ट, ह्यूमन आई। द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव सेंस ऑर्गन ऑफ साइट। सी द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ लाइट एंड द कलर अराउंड अस। ह्यूमन आई क्या है? आप जानते हैं ह्यूमन आई हमारी बॉडी का एक पार्ट है जो कि बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, ठीक है, जो हमें आसपास जितनी भी आपको रंग बिरंगी जो चीज़ें जो दिखती हैं वो आपको किसकी वजह से दिखती है? आपके ह्यूमन पार्ट या ह्यूमन ऑर्गन, ये जो आईज है उसकी वजह से। क्लियर है? तो व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन आई? इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव सेंस ऑर्गन ऑफ साइट, ठीक है, विच इनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ लाइट एंड कलर अराउंड द अस, ठीक है। और ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज की स्ट्रक्चर है, हमारी ह्यूमन आइज में मेन जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं? सिलेरी मसल्स, आयरिस, कॉर्निया, ठीक है, प्यूपिल, लेंस, ऑप्टिक नर्व, रेटिना, स्क्लेरा और लिगामेंट्स, अदर्स पार्ट्स होते हैं। कुछ मेन पार्ट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट क्या? फर्स्ट स्क्लेरा, विच आर प्रोटेक्ट द आईज, दिस इज हार्ड, ओपेक एंड वाइट इन कलर। सेकेंड वन इज कॉर्निया, कवर द फ्रंट ऑफ आईज, विच कॉल्ड एज कॉर्निया। आयरिस, कलर डायफ्राम बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। नेक्स्ट वन इज प्यूपिल, स्मॉल होल इन द आयरिस, ठीक है, आयरिस के बीच में एक स्मॉल होल होता है जिसमें जो रेज होती है लाइट रेज वो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। क्लियर है? द नेक्स्ट वन इज आई लेंस। अब हमारी आंखों में जो आई लेंस होते हैं वो ऐसा नहीं है कि कांच का ग्लास का हमारे आईज में, नहीं, एक जेली लाइक ट्रांसपेरेंट लेंस मटेरियल होता है। क्लियर है? जिसका एक क्या होता है? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिलेरी मसल्स, होल्ड द लेंस इन पोजिशन। क्या वर्क है सिलेरी मसल्स का? कि जो हमारा लेंस है जेली लाइक मटेरियल उसको एक होल्ड करके रखना, ठीक है। और कभी जब हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या नियर ऑब्जेक्ट दिखना हो देखना हो तो ये सिलेरी मसल्स इसको क्या करे? स्ट्रेस और थोड़ा लूज कर दे उस पोजीशन में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेटिना, बैक सरफेस ऑफ द आईज, दिस इज द वॉल, दिस इज लाइक एज वॉल। जैसे कि किसी वॉल या किसी पर्दे पे हम किसी को और किसी इमेज लेते हैं, उस तरीके से रेटिना हमारी आईज में इमेज को जो है कलेक्ट करने का काम करता है। एक्वस ह्यूमर, लिक्विड बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। विट्रेस ह्यूमर, लिक्विड बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना कॉल्ड विट्रेस ह्यूमर, ठीक है। तो ये आपके कुछ पार्ट्स हैं मेन पार्ट ह्यूमन आइज के। हम देखते हैं कि ह्यूमन जो पार्ट्स है ह्यूमन आइज की जो वर्क क्या होता है, वर्किंग क्या होती है। तो आपको पता है किसी ऑब्जेक्ट से या सोर्स से पहले ऑब्जेक्ट पे क्या आएगा? सनलाइट्स आएंगी, लाइट रेज आएंगी और ऑब्जेक्ट से फिर वो हमारी आंखों में कमिंग आउट कलेक्ट होती है, ठीक है। और रेटिना पे ये सब जो पूरे लेंस से गुजरते हुए रिफ्रेक्शन के कारण बाद में ये रेटिना पे कलेक्ट होती है और रेटिना पे कलेक्ट होने के बाद ये ऑप्टिक नर्व की मदद से ये हमारे क्या होता है? ब्रेन तक जाती है, ठीक है। और ब्रेन में जा करके ये इमेज हमें जो ये ऑब्जेक्ट है वो सीधा जैसा है वैसा दिखने लगता है। तो इसका हम वर्किंग देख लेते हैं। इन द आईज द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना बाय सक्सेसिव रिफ्रेक्शन एट द कॉर्निया, द एक्वस ह्यूमर, द लेंस एंड द विट्रेस ह्यूमर। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल देन ट्रेवल अलॉन्ग द ऑप्टिक द ब्रेन टू बी इंटरप्रेटेड इन गुड लाइट द येलो स्पॉट इज मोस्ट सेंसिटिव टू डिटेल एंड द इमेज इज ऑटोमेटिकली फॉर्म देयर। क्लियर है? तो ये जो मैंने आपको बात बताई कि हमारी आईज से क्या होगा, जो आई जेली लाइक लेंस है वहाँ से क्या होगा? रिफ्रेक्शन होगा, इक्वस ह्यूमर से रिफ्रेक्शन होगा। आफ्टर दैट दे ऑल रेज आर कलेक्ट टू द ऑन द रेटिना। आफ्टर दैट ऑप्टिक नर्व गिव द सिग्नल टू द ब्रेन। द नेक्स्ट वन इज पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आईज, ठीक है। आप देखते होंगे कि आपकी जो आईज है वो दूर और पास जो ऑब्जेक्ट होगा उसको, डिस्टेंट और फॉरेस्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको इजीली देख पाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो आईज है इसका फंक्शनल वर्क है कि ये ऑटोमेटिकली क्या होती है, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करके उस ऑब्जेक्ट को आपको अच्छे से दिखा देती है। द
तो पावर ऑफ अकोमोडेशन ही कहते हैं इसे, कि द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू सी बोथ नियर एंड द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आईज। क्लियर है? तो पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आईज बहुत जरूरी है हमारी आईज के लिए। द नेक्स्ट वन इज नियर पॉइंट। ठीक है, तो नियर पॉइंट और फार पॉइंट हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कितने पास तक एक नॉर्मल जो ह्यूमन है, एक नॉर्मल जो इंसान है, पर्सन है, वो कितने पास तक क्लियर देख सकता है और कितना दूर तक क्लियर देख सकता है। तो फर्स्ट वन इज नियर पॉइंट या नियरेस्ट पॉइंट। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो एक ऐसा मिनिमम पास में जो ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हो जिसको हम क्लियरली बिना स्ट्रेस के हम देख सकें, बिना स्ट्रेस के, बिना स्ट्रेन के। क्लियर, वो ऑब्जेक्ट हमें ब्लर ना दिखे, इतना पास अगर ऑब्जेक्ट है और वो हमें दिख रहा है तो उसको हम बोलेंगे नियरेस्ट पॉइंट। और फॉर अ नॉर्मल आइज के लिए ये कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। इससे पास आने पे जो ऑब्जेक्ट है हमें ब्लर दिखाई देगा, स्ट्रेन होगा, हमें स्ट्रेस लगेगा। ठीक है, हम ज़्यादा अच्छे से उसको देख नहीं पाएंगे। द नेक्स्ट वन इज फार पॉइंट। द फारदेस्ट डिस्टेंस अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आईज। ठीक है, तो दूर का भी यही होगा कि जिस जहाँ तक हम अच्छे से देख सकें किसी ऑब्जेक्ट को, और ये कहाँ तक होती है डिस्टेंस, 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। क्लियर है, इसके बीच में कहीं भी हो सकती है। वैसे हम नॉर्मली इसको कितना मानते हैं, इन्फिनिटी ही मानते हैं, कहीं भी लेंगे तो फारेस्ट पॉइंट क्या लेते हैं, इन्फिनिटी लेते हैं। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ठीक है, तो नॉर्मलाइज जिसको मैं बता चुका हूँ, नियर पॉइंट और फारेस्ट पॉइंट। अब कुछ जो होते हैं आइज के करेक्शन होते हैं जिसके कारण कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो पर्सन्स होते हैं उनके क्या होता है, गॉगल्स लगे होते हैं, चश्मे, ग्लासेस लगे होते हैं। ठीक है, तो आप देखते हो किसी का, आप बोलते हो पास का है, दूर का है, तो वो पास का दूर का जिस तरीके से आप बोल रहे हो वो क्या है, उनके डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन से उसको हम क्या कहते हैं और किस पास वाले और दूर वाले को हम क्या कहेंगे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज मायोपिया एंड नियर साइटेडनेस। ठीक है, तो मायोपिक आइज की खासियत क्या है, मैं आपको बता दूं, ये है कि हमें ऑब्जेक्ट क्या है, ब्लर दिखाई देगा, लेकिन कौन सा वो हम देखते हैं। मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बिकॉज ऑफ द इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो जो इमेज है मायोपिक आइज के विजन वाले जो पर्सन है वो पास को तो क्लियरली देख लेगा, लेकिन दूर वाले ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली नहीं देख पाता। क्यों? क्योंकि जो रेज, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही हैं वो रेटिना पे ना मिल करके सारी कहाँ कलेक्ट हो जाती है, थोड़ा पहले ही कलेक्ट हो जाती है रेटिना के पहले। इस कारण क्या होता है, जब रेटिना पे इमेज नहीं मिल रही तो वो क्या होगी, ब्लर इमेज हमें मिलेगी, जो कि एक ब्लर दिखने का कारण हो जाता है। ठीक है, रेटिना पे मिलेगी तभी तो ऑप्टिक नर्व क्या है, सिग्नल दे पाएगी माइंड को, तभी तो ऑब्जेक्ट हमें सीधा दिखेगा, अदरवाइज हमें सीधा कैसे दिखेगा। तो ये जो पहले ही क्या हो रही है, सारी ऑब्जेक्ट, सारी रेज जो मीट कर रही है पहले ही, इस कारण क्या होता है, जो आइज है उसको ब्लर इमेज मिलती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, द फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। ठीक है, सेकेंड वन इज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द आई बॉल। तो ये हमारे जो ऑर्गन पार्ट्स होते हैं इनके क्या होते हैं, कुछ डिस्ट्रक्चर होते हैं जिस कारण क्या होता है, हमें जो ये है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मायोपिया और नियर साइटेडनेस। इसका करेक्शन क्या है, इसका करेक्शन ये है कि हमें इन रेस को रेटिना पे मिलाना है, तो आपको पता है इनको थोड़ा डाइवर्ज करना पड़ेगा, और डाइवर्ज करने के लिए हमें कौन सा लेंस यूज में लेना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। तो हम जब कॉनकेव लेंस के करेक्शन में यूज में लेंगे मायोपिया में, तो क्या होगा, थोड़ी सी रेज डाइवर्ज होके वो कहाँ पे मिलेगी, जो रेज मिलेगी आफ्टर रिफ्रेक्शन वो हमें रेटिना पे मिल जाएगी और हमें इमेज अच्छे से दिखने लग जाती है। क्लियर है? द नेक्स्ट वन इज हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। ये जस्ट अपोजिट है मायोपिया का। हाइपरमेट्रोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बिकॉज ऑफ द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। वहाँ पे पहले मीट कर रही थी, यहाँ पे बिहाइंड द रेटिना जो है रेज आफ्टर रिफ्रेक्शन मीट करेंगी। क्लियर, जिस कारण की भी हमें क्या है, ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, ब्लर मिलती है, स्ट्रेस मिलता है।
ठीक है, ऐसा क्यों होता है? डिक्रीज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस एंड डिक्रीजिंग इन द लेंथ ऑफ द आई बोल, इन दोनों रीजन के कारण ऐसी हाइपरमेट्रोपिया विजन्स जो डिफेक्ट्स है वो हमें फेस करना पड़ता है। इसको कि हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इसको हम सूटेबल कॉन्वेक्स लेंस यूज में लेकर के हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज प्रेस बायोपिया, द डिफेक्ट अराइज विद एजिंग, ये एज के साथ होती है, जो बुजुर्ग होते हैं जो एजेड होते हैं उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। समटाइम दे आर नॉट एबल टू सी बोथ नियर बाय एंड द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, उनके साथ दोनों ही प्रॉब्लम होती है, वो ज़्यादा पास का भी नहीं देख पाते और ज़्यादा दूर का भी नहीं देख पाते। ठीक है, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बायफोकल लेंसेज, उनके लिए क्या यूज़ में लिया जाता है, उनको इस करेक्शन के लिए, इस जो डिफेक्ट ऑफ विजन है इसको करेक्शन के लिए हमें बायफोकल लेंसेज यूज में लिए जाते हैं, जिनमें दोनों ही क्या होते हैं, लेंसेज होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। द अपर पार्ट इज कॉन्केव फॉर करेक्शन ऑफ डिस्टेंट विजन एंड द लोअर पार्ट इज द कॉन्वेक्स फॉर करेक्शन ऑफ नियर विजन। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक आवर पेज एफबी पेज कंसेप्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट गुलबर्गा एंड कंसेप्ट रामगंज मंडी। फॉर सी मोर वीडियोज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। थैंक यू वेरी मच।